कारण साखी वृद्धारण्य उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण तीसरे कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। भक्ति प्रपंच का मत है प्रत्येक पदार्थ भिन्न भी है अभिन्न भी है, माने अवैवी रूप से अभिन्न है और अवैव रूप से भिन्न है, और उन अवयवों का परस्पर अवयवों का भेद है। अवयवी तो अवयवों से भिन्न भी है, अभिन्न भी है, दोनों में है, भिन्न भिन्न है, किंतु अवयव में परस्पर भेद है ये कहना है। इससे सिद्ध होता है कि थूल वस्तु में देखा जैसे गाय है गो रूप से एक है, गो रूप से एक है, किंतु श्रृंगादि के भेद से भिन्न भिन्न, श्रृंग विशिष्ट गाय अलग, कर्ण विशिष्ट गाय अलग, गो अलग इत्यादि भेद भी है अभेद भी है। ठीक इसी प्रकार जब दृष्टांत मिल जाता है गो आदि, तो निर्मल पदार्थों की ऐसी कल्पना करनी चाहिए, भेदाभेद की कल्पना करनी चाहिए, आत्मा भी भिन्न भी अभिन्न भी भेदाभेद वाला, अद्वैत बात नहीं, भेद और अभेद दोनों है, आत्मा एक रूप भी है नाना रूप भी है, प्रत्येक पदार्थ ऐसा होता है, ऐसा भक्ति प्रपंच ने कहा। और कहा सिद्धांत के यहाँ वेदांत के यहाँ दृष्टांत नहीं मिलेगा कोई भी निर्वय में, ऐसा भेदाभेद देने में कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा, आत्मा भेद भी भिन्न नहीं है भेद नहीं है, ऐसे में क्या दृष्टांत हो गया। जो भी दृष्टांत होगा तो वेदाभेद से सिद्ध होना है, ये कहा था तो सिद्धांत को ध्यान, ये तो सिद्धांत है दृष्टांतो नास्ति तथा भक्ति प्रबंध का आधा सिद्धांत में वेदांत सिद्धांत में दृष्टांत नहीं है, एक वस्तु को अनेक करने में दृष्टांत नहीं है, किंतु हमारे यहाँ है प्रत्यंत भिन्न भिन्न मानते हैं प्रत्येक पदार्थ को, सिद्धांत में अद्वैत एक मानते हैं तो वहाँ दृष्टांत किसको देना, दृष्टांत नहीं मिलेगा। उसके उत्तर सिद्धांत देते हैं कहा नास्ति तथा कहा, पूर्वाजी ने कहा था कि कहाँ कहा था 1136 पृष्ठ के टीका में कहा था, पूर्व पृष्ठ था ये, ऐसा कहा था कि सिद्धांत में दृष्टांत नहीं मिलेगा, ऐसा कहा उसके विषय में कहते हैं एक में भी अनेक हो जाता औपाधिक अनेक होता है, सिद्धांत ही बोलते हैं वास्तविक एक होने पर भी औपाधिक अनेक हो जाता है, दृष्टांत उपदेश सिद्धांत का दृष्टांत की सिद्धि है, मन वास्तव में स्वाभाविक एक है वस्तु उपाधि से अनेक जैसा लगता है, इसमें दृष्टांत है। ठीक है कहते हैं किम एक रूपत्व वस्तु दृष्टांत तो नास्ती किम वा मिथ्यात्व नाना रूपत्व सिद्ध करते हैं, क्या सिद्धांत कहते हैं कि क्या एक रूप मानने पर वस्तु को नाना रूप न मान के एक रूप माने वस्तु को दृष्टांत तो नास्ती, जो आत्मा वस्तु उसका दृष्टांत नहीं कहना चाहते हो, आत्मा को एक रूप मानने पर दृष्टांत नहीं मिलेगा, क्या किसके समान नहीं मिलेगा ये कहना चाहते हो, अथवा किम वा मिथ्यात्व नाना रूपत्व सिद्ध, मतलब मिथ्यात्व में नाना रूप नहीं हो सकता बोलना चाहते हो, मिथ्या नाना रूप ही नहीं हो सकता कहना चाहते हो, कहते पहले वाला का खंडन किया नाद्या करके खंडन किया, पहले वाला हो नहीं सकता, क्या बोला नाना रूप वस्तुवादी भी अभी जो नाना वस्तुवादी है ना भक्ति प्रपंच नाना वस्तु प्रत्येक वस्तु नाना होता है अनेक होता है, ऐसे वादी भी अभी एक एक रूप से अनवस्था पर आ रहा है, कोई एक वस्तु ले लो तो जो नाना रूप मानते हो, जैसे घट है घट नाना रूप दो कपाल के कारण नाना है अपने स्वरूप से एक है, तो भेद एक रूप और नाना रूप मानने घट अवयवी रूप से एक और दो कपाल जुड़ करके घट बनता है, तो दो कपाल को लेकर के नाना, अच्छा उनमें से नाना हो सिद्ध हो गया घट में, कपाल में चलो कपाल भी एक है उसमें भी नाना, कपालिका आदि करते करते चलोगे नाना रूप मानोगे, परमाणु में जाने के बाद क्या काम करोगे, परमाणु सावयव नहीं है निर्वयव है, जब तक सावयव की धारा चलती है तब तो एक और अनेक दिखता है, एकात्मता एकात्मता भासता है, किंतु परमाणु में जब पहुंचोगे परमाणु निर्वयव है वहाँ नाना रूप कैसे दिखाओगे, तो वो कहेंगे नहीं वहाँ भी गंदारी के कारण नाना रूप हो जाते हैं, वहाँ गंदा रूप रस गंदारी है, रूप भी एक वस्तु है तुम्हारे, पूर्वादि कहा जाता है आत्मा नाना रूपम वस्तुत्वात्
गोवत इत्यादि कहना चाहते हैं, तो वहाँ भी गंदा आदि भी वस्तु है, वस्तु होने से वहाँ भी नाना रूप मानना होगा। करते करते अनवस्था में जा करके अंतिम में जा करके एक में बैठना पड़ेगा तुम्हें, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। नाना रूप वस्तु वादी विरपी एक एक स्वरूप से अनवस्था परिहारार्थम, एक एक रूप में जब पहुँचोगे अंतिम में अनवस्था में जाओगे, कोई भी रूप लो आगे जाके अनवस्था दोष में पहुँचोगे, इसलिए एकत्व मानना ही पड़ेगा। अनाना रूपत्व अंगीकार कारा, तुमने भी अनाना रूप में एकत्व रूप का स्वीकार किया है तुमने भी, इसलिए अस्माकम दृष्टांत सिद्ध है, हमारे यहाँ दृष्टांत सिद्ध हो जाता है। क्या दृष्टांत सिद्ध होता है? आत्मा एक रूप वस्तुत्वाद घट, जैसे घट एक रूप है वस्तु है, घट रूप एक रूप है, इस पर आत्मा भी एक रूप है, एक रूप वाला है, अनेक रूप वाला भी आत्मा दृष्टांत सिद्ध है। वस्तुत्व हेतु सर्वत्र अनेकांतिगत बात, वस्तुत्व हेतु तबैव तत्र वो पूर्ववादी के मतलब व्यभिचार हो जाए वस्तुत्व हेतु, वस्तुत्व होने पर भी परमाणु में वस्तुत्व है तुम्हारे मन में, वस्तु है एक वस्तु है परमाणु वस्तुत्व है, वहाँ पर ये वस्तुत्व होने पर भी अनेकत्व नहीं, वहाँ परमाणु एक है। तत्र पूर्ववादी के हैं अनेकांतिगत में व्यभिचारा तस्मात एक रूप में वस्तु स्वीकर्तव्य विधा, इसलिए वस्तु को एक ही रूप मानना चाहिए, नाना रूप नहीं मानना चाहिए वस्तु में, कोई भी वस्तु एक ही रूप है, उपाधि रूप से नाना भासता है, वास्तविक रूप एक होता है वस्तु का। तो आत्मा आत्मा एक रूपम एक रूप एक रूपम वस्तुत्वात् घटादि, जैसे घटादि एक रूप है वस्तु है, इसी प्रकार ऐसा मान दिया सिद्धांत ने। तो द्वितीय दोष यदि कहते हैं दूसरा पक्ष है, यथा कि मिथ्यात्व में मैं नाना रूप नहीं कहना चाहते हो, ये सिद्धांत ने दो विकल्प दिया था कि एक रूपत्व वस्तु का दृष्टांत तो नास्ती, ऐसा माना एक रूप मानने पर वस्तु में वस्तु हेतु के दृष्टांत नहीं मिथ्या बोलते हो, कि अथवा मिथ्यात्व नाना रूपत्व से अथवा मिथ्यात्व में अनेक रूप में दृष्टांत नहीं मिलता, मिथ्यात्व में अनेक रूप है आत्मा स्वाभाविक नहीं है, एक आत्मा तो द्वितीय ये मिथ्यात्व में नाना रूप आप स्वीकार मानते हैं, मिथ्यात्व नाना रूप आत्मा में माना जाता है, कैसे माना जाता है यथा ही करके वास्तव में कहा था, यथा ही लोके जैसे देखो एक स्वच्छ स्वभाव वाला स्फटिक है, स्वच्छ स्वभाव है वो एक ही रूप है उसका, स्वच्छ स्वभाव है उसका, किंतु हरित नील पीतादि जो सान्निधि में होंगे उसी प्रकार से दिखता है, एक भी अनेक रूप हो जाता है औपाधिक रूप से, इसके लिए दृष्टांत है, आत्मा भी अनेक रूप होता है, दृष्टि स्मृति पति आदि रूप हो जाता है, उपाधि के कारण से बोलना है। यथा ही लोग स्वच्छ स्वभाव में स्फटिक, जैसे लोग ने देखा है स्वच्छ स्वभाव वाला एक स्फटिक है, हटी स्वच्छ है स्वच्छ स्वभाव युक्त है फटिका, तन्निमित्तम एव केवल केवल उसका स्वभाव निमित्त ये स्वच्छ स्वभाव ही है उसका निमित्त, स्फटिक का निमित्त है स्वच्छ स्वभाव निर्मल है, किंतु हरित नील लोहितादि बाद भेद सब होगा, सामने में हरा होगा तो फटिक हरा दिखेगा, लाल होगा लाल दिखेगा इत्यादि, काला होगा सामने तो फटिक काला ही दिखाई पड़ता है, वास्तव में फटिक काला नीला पीला नहीं स्वच्छ स्वभाव है, उपाधि भेद से फटिक अनेक जैसा लगता है, ये कहना है। तो स्वच्छ स्वभाव वाला जो स्फटिक है वह फटिक हरित नील लोहितादि बाद भेद सब होगा, हरा है काला है लोह लाल रक्त है इत्यादि उपाधि के भेद के संबंध से तदाकार तुम भजते, हरितादि आकार को संबंध करता है, मैंने हरा पीला जैसा लगता है स्फटिक उपाधि के कारण, वास्तव में वहाँ उपाधि स्वाभाविक एक ही है स्वच्छ स्वभाव वाला स्फटिक, ठीक है कहते हैं तन्निमित्तम एव इत्यत्र तत्शब्देन तस्वाभाव्यम स्वच्छ स्वाभाव्यम परामर्श दिया, तन्निमित्तम एव भाष्य में दिया उसका अर्थ होता है कि यहाँ तत्शब्द के द्वारा स्वच्छ स्वभाव्यम परामर्श, स्वच्छ स्वभाव ही है स्वच्छ स्वभाव से अतिरिक्त स्वभाव है नहीं उसका, किंतु उपाधि जैसे जैसे सन्निधि में हो जाती है उसके कारण तत्त आकार दिखता है, किंतु वास्तव में फटिक में आकार नहीं है, स्वाभाविक एक है औपाधिक रूप से अनेक दिखता है, आत्मा भी ऐसा है स्वाभाविक आत्मा अनेक नहीं है, भिन्ना भिन्न दो प्रकार के नहीं है, एकात्मता अनेकात्मता ऐसा नहीं है,
एकत्व तो नाना तो ऐसा आत्मा में नहीं है, नाना तो है ही नहीं, वो तो उपाधि के कारण, उपाधि में अविद्या के द्वारा खड़ी की गई उपाधि, वास्तव में उपाधि भी नहीं है, अविद्या अज्ञान के कारण ये उपाधि के कारण भाषता है। ठीक है, मैं आगे बोलता स्फटिक हरितादि धर्माणाम स्वाभाविकत्व किम न सत्, भक्ति प्रबंध की ओर से शंका उठाई गई, स्फटिक में जो हरितादि धर्म भासते हैं ना वो स्वाभाविक क्यों नहीं होगा, फटिक फटिक हरा है पीला है लाल है ऐसा क्यों नहीं माना जाए, ये शंका की अंधकार न चाह न स्वच्छ स्वाभाव्य विक्रिय के ना हरित नील लोहित आदि लक्षण धर्म मेरा स्फटिक कल्प है तुम सकते हैं देगा नहीं, उसका स्वभाव जो स्वच्छ स्वभाव है उसे अतिरिक्त रूप से हरित नील लोहित आदि स्वरूप जो धर्म विशेष है फटिक में कल्पना नहीं की जा सकती, उसका स्वभाव तो स्वच्छ ही है, उपाधि के कारण से अनेकत्व तो दिख रहा है वास्तविक में। ठीक है, हमें कहते हैं तस्य ही मान स्वटिक है उसका ही मान अस्मात तस्य मान फटिक स्वच्छ स्वभाव्यम तद्वशेन हरितादि उपाधि वेद संबंध व्यतिरेकेण इति तद्वशेन स्वच्छ स्वभाव होने से हरितादि उपाधि के संबंध से अतिरिक्त वो स्वच्छ ही है, जब हरितादि का उपाधि का संबंध होता है हरितादि तब हरितादि फटिक भासता है, स्वभाव तो उसका स्वच्छ ही है। तस्य ही 13-14 के टिप्पणी में कहा, 13 में कहते हैं फटिकस्य ही मान यत जो उसमें स्वच्छ स्वभाव्य है स्वभाव उसका स्वच्छ है, तद्वशे में स्वच्छ होने के कारण ही हरितादि उपाधि का संबंध उसका हरितादि के साथ संबंध हो जाता है, देखा दिखाई पड़ता है वास्ता है, उसे अतिरिक्त रूप से स्वच्छ ही हो, हरितादि को दूर करो स्वच्छ ही हो। एक नाना रूपत्व मिथ्या इत्यत्र दृष्टान्त मुक्त दाष्टान्त कहा, एक में नाना रूप जो दिखता है वो मिथ्या है, मिथ्या नाना रूप हो सकता है, वास्तविक एक है मिथ्या नाना है, एकस्य वस्तु एक वस्तु का नाना रूपत्व मिथ्या जो नाना रूप वास्ता हो मिथ्या है इत्यत्र इस विषय में दृष्टान्त होता दृष्टान्त दिया स्फटिक का दृष्टान्त दिया, जैसे स्फटिक एक है स्वच्छ स्वभाव वाला है, जैसे जैसे उपाधि की सन्निधि प्राप्त हो जाती है उसको तो तदरूप में दिखाई पड़ती है, वास्तव में फटिक में वो हरितादि धर्म नहीं है स्वच्छ स्वभाव ही है, और उपाधि के ये दृष्टान्त बताया दृष्टान्त वह आत्मा में कहना जाता है तथा आत्मा में भी ऐसा ही एक है, उपाधि के कारण से दृष्टि आदि अनेक भेद दिखाई पड़ता है किंतु उपाधि के बिना आत्मा एक ही है स्वच्छ है। तथा कहा भाषण का तथा चक्षुरादि उपाधि भेद संयोगात, देखो आत्मा का अज्ञान से कल्पित जो चक्षुरादि हमारे इंद्रिया आदि हैं चक्षुरादि हैं उनके संबंध संबंध से आविद्यक संबंध के कारण आत्मा का वहाँ संबंध दिखता है अज्ञान काल में उनके संबंध से, प्रज्ञान धन स्वभाव से आत्मा का स्वभाव तो प्रज्ञान धन है, जैसे लवण घन होता है नमक की डेली को लवण घन कहते हैं, माने लवण ही लवण है उसका अन्य कोई वस्तु नहीं है उसका स्वभाव है, इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव प्रज्ञान धन एकमात्र स्वभाव है प्रज्ञान धन, प्रज्ञानी प्रज्ञान का पुंज ज्ञान ही ज्ञान का पुंज है ऐसा आत्मा है स्वभाव से, आत्मज्योति से जो आत्मज्योति है आपके प्रकाश आत्मरूप प्रकाश, दृष्टियादि शक्ति भेद दृष्टियादि शक्ति का भेद किसके कारण चक्षुरादि के साथ संबंध होने से, वास्तव में आत्मा में तो प्रज्ञान घनी है एक ही स्वभाव है, चक्षुरादि के साथ आवित्यक संबंध होने के कारण दृष्टि आदि कहा द्रष्टुर दृष्टि विभिन्न लोगों ने वित्त थे घ्रातुर घ्राते विभिन्न इत्यादि दृष्टा की दृष्टि ग्राता की ग्राती श्रोता की श्रुति इत्यादि करके कहा गया, वास्तव में वहाँ पर दृष्टि आदि भेद है ही नहीं, ये जाना है दृष्टि आदि शक्ति भेद उपलक्ष्य है उपलब्धि होती है, ठीक आप जाते हैं आत्मा नित्या मिथ्या नाना निर्भाषा उपहित तत्पाद स्फटिक अनुमान देते हैं, आत्मा जो है ना मिथ्या नाना निर्भाषा मिथ्या नाना प्रकार के हो जाता है झूठा और उपाधि के कारण उपहितत्व उपहित होने से चक्षुरादि में आत्मा उपहित है उपहित होने से यही है, स्फटिक जैसे स्फटिक नाना हो जाती है उपाधि के कारण हरितादि के सान्निध्य आने पर फटिक हरितादि को दिखाई पड़ता है, वास्तव में फटिक में हरितादि नहीं है, ठीक है इस प्रकार आत्मा में चक्षुरादि का सान्निध्य होने पर आत्मा में दृष्टि श्रुति आदि आ जाता है,
दृष्टे दृष्टा श्रुते श्रोता इत्यादि कहा गया है, ऐसा वास्तविक नहीं ये कहा। आत्मा मिथ्या नाना निर्भाषा, मैंने 16 की टिप्पणी बता दिया है कि मिथ्या अनेक प्रतीति आश्रय बोल दिया, मिथ्या अनेक प्रतीति का आश्रय है कहा, मिथ्या अनेक अनेक प्रतीति का वास्तव में वहां अनेक नहीं है आत्मा में, केवल ऐसा भासता है। उभय तत्पात फटिक दिया था फटिकवत, जैसे फटिक है स्वच्छ होने पर भी उपाधि के सामने जैसे उपाधि के धर्म वहां भासता है, आए नहीं वहां फटिक कभी रक्त आदि हो नहीं सकता, स्वच्छ है सफेद है। ठीक इस प्रकार आत्मा भी उसका स्वभाव है प्रज्ञान घर एकमात्र स्वभाव है ज्योति स्वभाव है, उसमें माने दृष्टि आदि होना संभव नहीं है, किंतु दृष्टि अतिरिक्त होना संभव नहीं, आत्मा में भेद होना संभव नहीं। चक्षुरादि के साथ आत्मा के संबंध होने के कारण, अज्ञान काल में संबंध होने के कारण दृष्टि आदि की कल्पना की जाती है, जैसे फटिक में रक्तिमा आदि की कल्पना की जाती है। ठीक इसी प्रकार ठीक आप कहते हैं किंच आत्मा मिथ्या नानत्वाधारा स्वच्छत्वा संप्रतिबंधवत इत्यादि। दूसरा दृष्टांत अनुमान देते हैं सिद्धांत बोलते हैं आत्मा मिथ्या नानत्वाधारा, आत्मा स्वाभाविक जो वस्तु है उसका आधार तो नहीं होता, मिथ्या जो नाना है औपाधिक नाना है, औपाधिक वस्तु मिथ्या होती है, तो किंच आत्मा मिथ्या नानत्व आधार, मिथ्या जो नानात्व है औपाधिक नानात्व का आधार है अधिकरण है आत्मा, वह कल्पना होती है आत्मा में नानात्व की कल्पना, मिथ्या मिथ्या अनानत्व की कल्पना होती है, आधार है क्यों स्वच्छत्व स्वच्छ होने के कारण, जहाँ जहाँ स्वच्छत्व होगा वहाँ वहाँ मिथ्या नानात्व का आधार होता है, जैसे संप्रतिबंध स्फटिक जैसे स्फटिक है स्वच्छ है वो स्वच्छत्व हेतु है वहाँ, और मिथ्या नानात्व का आधार भी होता है, जैसे रक्तिमा का आधार हरित 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 का आधार पीतिमा का आधार इत्यादि हो जाता है भाषता है वहाँ। ठीक इस प्रकार आत्मा में भी दृष्टि आदि भाष रहे हैं, वास्तव में आत्मा में ये नानात्व नहीं है भाषना है। संप्रतिबंधवत में का स्फटिकादिवत, जैसे फटिकादि है मिथ्या नानत्व का आधार होता है वो, ठीक है स्वच्छ होने के कारण प्रज्ञान घन भाषण का प्रज्ञान घन स्वच्छ स्वभाव व्याप्त, आत्मा प्रज्ञान घन स्वच्छ स्वभाव है, जैसे फटिक स्वच्छ स्वभाव है आत्मा भी स्वच्छ स्वभाव है, केवल ज्ञान ही ज्ञान का पुंज है प्रज्ञान घन है स्वच्छ स्वभाव व्याप्त, फटिक स्वच्छ स्वभाव्यवत, जैसे फटिक स्वच्छ स्वभाव वाला होता है वो उपाधि के धर्म को अपने में लेता है वो भासता है, इसी प्रकार आत्मा में भी दृष्टि आदि भेद यहाँ भास रहे हैं स्वच्छ स्वभाव होने से। स्वयं ज्योतिष स्वच्छ, दूसरी बात आत्मा स्वयं प्रकाश रूप है, प्रकाश में भी ये भासता है, उपाधि धर्म प्रकाश में भी दिखते हैं, जैसे सूर्य के किरण जिस वस्तु में पड़ेगा वो वस्तु के आकार में दिखाई पड़ता है, रक्तिमा को प्रकाश करें किरण भी रक्तिमा हो जाते लाल दिखता है, और हरा को करेगा तो हरा दिखेगा किरण। ठीक इस पर स्वयं ज्योति है वो ज्योतिष स्वरूप होने से भी कहा। ठीक है कहते हैं किंच आत्मा कल्पित नाना तो धारो ज्योतिष्वा, ये भी एक अनुमान है, आत्मा कल्पित नानात्व का आधार है, वास्तविक नानात्व आत्मा में नहीं है, कल्पित माने मिथ्या नानात्व का आधार आत्मा है होता है, ज्योतिष्वा प्रकाशक होने के कारण प्रकाश रूप होने के कारण, आदित्यादि ज्योतिर्वत, जैसे आदित्यादि ज्योति प्रकाश है किरण जिस वस्तु में पड़ेगी वो वस्तु छाया उसमें आ जाती है तद्रूप दिखाई पड़ेगा उस किरण, जैसे वस्तु में किरण पड़ा वैसे किरण में वो वस्तु की छाया आ जाती है आभास आता है, इस प्रकार आत्मा में देहा इंद्रियों का आभास पड़ जाता है, इसलिए नानात्व तो दिखता है किंतु वास्तव में नानात्व तो नहीं है कहा। ये कहते ज्योति पर स्वयं इत्यादि कहा, स्वयं ज्योतिष को अच्छा भी बता दिया, आदित्यादो अकल्पितों की भेद वस्तु पूर्वादि बोलता है महाराज, सूर्य आदि में तो वास्तविक भेद भी तो है ना, जैसे सूर्य है अन्य का भेद है, जल का भेद है, चंद्रमा का भेद है, पृथ्वी आदि का भेद है, तो वहाँ तो वास्तविक
भेद भी है सूर्य में, कैसे दृष्टांत दिया आपने ज्योतिषों के दृष्टांत पर, ये शंका कर उत्तर देते हैं विवक्षितम साम्य। अरे बाबा दृष्टांत दिया जाता पूरे साम्य के लिए नहीं, विवक्षित साम्य है, जैसे प्रकाशक होने के कारण वस्तु के आभास उसमें आ जाता है, इसी प्रकार आत्मा में भी प्रकाशक होने के कारण चक्षुरादि का प्रकाशक होने के उनका आभास आता है, ये कहना है। अकल्पितो विभेद वस्तु में आठ की चूर्ण बताया कि सजातीय आदि प्रतियोगी, सजातीय विजातीय आदि का प्रतियोगी भेद है, वहाँ आदित्य के सजातीय अन्य प्रकाश का भेद है, विजातीय का भेद है, तो कैसे आपने आदित्य को दृष्टांत, आदित्य आदि को दृष्टांत दिया, कहते हैं विवक्षित साम्य क्या यथाच कहा, यथाच आदित्य ज्योति, जो आदित्य की ज्योति है, जो किरण है प्रकाश है आदित्य की ज्योति, अमावास्य भेद है प्रकाश्य वस्तु के भेद से, जिस वस्तु को प्रकाश करेगी वो ज्योति, आदित्य की जो ज्योति किरण जिसको प्रकाश करे, यदि हरा वस्तु होगा किरण हरा दिखाई देगा, लाल वस्तु होगा किरण रक्त दिखाई देगा, वास्तव में किरण लाल नहीं, वो स्वच्छ स्वभाव है, शुक्ल वर्ण का है किरण, किंतु हरा लाल पीला ऐसा दिखाई पड़ता है, अभाष्य भेद के कारण अभाष्य वस्तु उसके द्वारा प्रकाश्य वस्तु कैसा है उसके आधार पर भासता है, ठीक है। यथाच आदित्य ज्योति, आदित्य ज्योति अभाष्य भेद है, जो अभाष्य वस्तु प्रकाश्य वस्तु है जिसको उसने प्रकाश करा उसके कारण संविद्यमान, जब उस वस्तु के साथ में संयुक्त हो जाती है ज्योति, आदित्य के प्रकाश जो अवभाष्य पदार्थ है जिसको प्रकाश करना उसके साथ संयुक्त होने पर हरित नील पीत लोहित आदि भेद अविभाग्यम, हरी कभी हरा कहीं हरा दिखाई पड़ेगा वही ज्योति, यदि हरा हो विषय तो ज्योति हरा दिखाई पड़ेगी, और पीला काला हो विषय तो काला दिखाई पड़ता ज्योति प्रकाश किरण को, नीला पीला हो तो पीला, लाल हो तो लाल दिखती है, उसके समान दिखाई पड़ती है वस्तु के समान, अभाष्य वस्तु के समान वो ज्योतियाँ दिखाई पड़ती है, वास्तव में ज्योति स्वच्छ बनता है आदित्य की ज्योति, तदाकाराभासम भवति, मान तत्त विषयाकार के आभास लेती हो ज्योति प्रकाश स्वच्छ स्वभाव होने पर भी, विषय जैसा है उसके आकार उसमें आ जाता है विषय के सान्निध्य के कारण, एक टीका में कहेंगे अविभाग्यम कहा था, अविभाग्य मैंने अविभाग्यम वस्तु तो विभाग आयोग्य, वास्तव में विभाग होना संभव नहीं, वास्तव में अविभाग्य मैंने विभाग अयोग्यम, विभाग होना संभव ही नहीं है, विभाग अविभाग्य होता है, अविभाग्य समझ रहा वास्तव में विभाग होना संभव नहीं है, ऐसा नव की टिप्पणी का वस्तु था हरितादि भाष्य संविधान है ना, जो आदित्य ज्योति है ना, हरित आदि जो पदार्थ हैं हरा आदि पदार्थ के संविधान से प्रतीयमान जो भास रहा है ज्योति में सूर्य के किरण में हरितादि भास रहा है, प्रतीयमान हरितादि विभाग अनहम उसके साथ विभक्त नहीं हो पा रहा है, ज्योति अलग नहीं हो पा रहे प्रकाश के कारण, यही है वस्तु वास्तव में है, ठीक है। हमें चक्षुर आदि नहीं जो अवभाष है तीन शब्द आगे बोलते हैं तथा से इत्यादि कहा हुआ है, तथा कृष्णम जगत अवभाष्य भाषय चक्षुरादी चतराकार, यह आप भव आइए आत्मा भी देखो तत्त आकार हो जाता है, कैसा कृष्णम जगत अवभाष्य संपूर्ण जगत को प्रकाश करने वाला आत्मा है, प्रकाश करता हुआ देहादि सारे जगत को प्रकाश करता हुआ, और चक्षुरादी नहीं चक्षुरादि को भी प्रकाश करता हुआ यह आत्मा, तदाकार भवती तत्त आकार वाला हो जाता है, जो स्वच्छ स्वभाव वाला है, जैसे स्फटिक मणि है आदित्य की किरण है ज्योति है, ये सब स्वच्छ स्वभाव वाले थे, जो वस्तु के सान्निध्य होता है वो वस्तु का आकार उनमें दिखाई पड़ता वास्ता है, इसी प्रकार आत्मा भी संपूर्ण जगत को प्रकाश कर रहा है, चक्षुरादि इंद्रियों को भी प्रकाश करता है, इसी कारण से तदाकार भवति चक्षुरादि आकार हो जाता है आत्मा, हो जाना माने औपाधिक रूप से भवती, ठीक है। कहते हैं चक्षुरादि ने अवभाषित इत्यादि कहा, चक्षुरादि को प्रकाश करता हुआ इसका संबंध करना कहा, आत्मा सर्वभाषक वाक्योपक्रम प्रमाण है, आत्मा सबका प्रकाशक है, प्रारंभिक वाक्य वाक्य में कहा था
बाकी जो आरंभ हुआ था उसी कारण का प्रमाण देते हैं। तथा से उत्तम उसे कहा आत्मना वायु ज्योतिषा नास्ते पल लेते कर्म कुरते विपल लेते इत्यादि कहा था। उस काल में तो जब अस्तमित आदित्य अस्तमित चंद्रवशव अस्तमित चावरव अस्तमित अस्तमित बात इत्यादि जो सबके सब शांत आय बातचीत बाहरी भी शांत होने पर किम ज्योति आय पुरुष कहा था ये व्यापार कैसे करेगा कार्यक्रम संघा जनक ने पूछा कहा आत्मा आय वायु ज्योतिषा अस्ते पल लेते आत्मा ही वास्य ज्योतिर्भवती ऐसा उत्तर दिया था। उसका अर्थ आत्मा ज्योति होती है इसकी स्वप्न अवस्था मुझे जान बताया था आत्मा आय ज्योतिषा अस्ते पल लेते कर्म गुरुते पल लेते कहा था। सारा कोई भी व्यापार कोई होता हो आत्म ज्योति से होता है करके सिद्ध किया था ये कहा। आगे टीका में कहते हैं यत्तु निर्वयवेशु नाना रूपत्वम अनुमेयमिति पूर्वादि ने वही 36 पृष्ठ में कहा था। जब सावय पदार्थ में अनेक रूप सिद्ध हो जाता है जैसे गाय है वो भरत प्रपत्र कहा जैसे गाय है गो रूप से एक है और श्रृंगादि रूप से भिन्न भी है गाय माने श्रृंग विशिष्ट गाय अलग कर्ण विशिष्ट गाय अलग चक्षु विशिष्ट गाय अलग हो जाती है एक ही वस्तु भेदाभेद माने अवयवी रूप से एक अवयव को लेकर के भेद भिन्ना भिन्न है कहा था। और निर्वय पदार्थों में नाना रूप अनुमान करना चाहिए गुरुवाद ने कहा था। सावय में जब नाना रूप आया गया वो आदि द्रव्यों में तो निर्वय जो आकाश आदि हैं आत्मा आदि हैं उनमें भी नाना रूप की कल्पना अनुमान से सिद्ध करना चाहिए नाना रूप ये भरत प्रबंध ने कहा था 36 दृष्टि में कहा था। यद तो निर्वय वेशु अभी निर्वय पदार्थों में भी नाना रूपत्व अन्वयम व प्रत्यक्ष नहीं था निर्वय में सावय में तो प्रत्यक्ष है जैसे गाय का दृष्टांत दिया था वो है अपने स्वरूप से अवयव रूप से एक है गाय और तब तक अवयव को लेकर के भिन्न भिन्न मानी जाती वही गाय भिन्ना भिन्न है एकत्व और नानात्व दो प्रकार है प्रत्येक वस्तु में कहा। सिद्धांत ने पूछा था सावय में भले ऐसा हो निर्वय में क्या करोगे आत्मा तो निर्वय है आकाश आदि में तब उन्होंने कहा था उनका अनुमान से सिद्ध करना चाहिए। जब दृष्टांत मिल जाएगा सावय वस्तु अनुमान सिद्ध होगा आकाश में भी नाना रूप है जो वस्तुत्व वस्तुत्व हेतु है वस्तुत्व वो वस्तु जैसे गाय है उस प्रकार ये निर्वय पदार्थों में अनुमान से सिद्ध करना चाहिए कहा था। तब कहा उसके उत्तर में सिद्धांत बोलते हैं कहा 10 के टुकड़े में कहा उत्तम 11:33 नहीं 36 है 11:36 पृष्ठ में था 10 नंबर टिप्पणी कहा 11:33 लिखी है वो गलत छप गया 36 है। उसमें सिद्धांत जी बोलते हैं न च निर्वय वेशु अनेकात्मत्व आसक्ति ने कल्पयित सिद्धांत ने कहा निर्वय पदार्थों में अनेक रूप की सिद्धि नहीं किया जा सकता कल्पना नहीं हो सकती अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकता निर्वय पदार्थ अनेक रूप एकत्व और नानात्व दो रूप की सिद्धि नहीं होता अनेकत्व सिद्ध नहीं होता निर्वय तो एक ही होगा अनेक नहीं होगा। निर्वय वेशु एक नंबर टिप्पणी कहा आत्मा आदिशु जैसे आत्मा निर्वय पदार्थ है आकाश आदि है निर्वय है परमाणु निर्वय है ऐसे पदार्थों में नानात्व की कल्पना नहीं की जा सकती मैं अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकता नानात्व निर्वय पदार्थ इस सिद्धांत ने कहा क्यों दृष्टांता भाव दृष्टांत नहीं दे पाएंगे दृष्टांत नहीं दे पाएंगे निर्वय पदार्थ नाना है ऐसे क्या दृष्टांत निर्वय को दृष्टांत नहीं दृष्टांता भाव दृष्टांत नहीं दे सकते ठीक है। यद्यपि आकाश से सर्वगतत्वादि धर्म भेद परिकल्पते आत्मा को निर्वय होने पर भी अनेक रूपी कल्पना में आकाश को दृष्टांत बनाना चाहते हैं भरत प्रबंध आकाश निर्वय है फिर भी सर्वगतत्वादि धर्म है उसमें सर्वत्र व्याप्त है आकाश सर्वगत सर्वगत आदि धर्म है एकत्व नानात्व आकाश में दिखाई पड़ता है धरती प्रपंच कहे सिद्धांत कहते वहाँ कल्पना नहीं हो सकती पूर्वादि के द्वारा ऐसी कल्पना की जाती है निर्वय आत्मा में निर्वय होने पर भी नाना है आत्मा एक भी है अनेक भी है इसके लिए दृष्टांत आकाश को देना चाहते हैं। यद्यपि आकाश से सर्वगतत्वादि धर्म वेद परिकल्पते आकाश में सर्वगतत्वादि जो धर्म हैं अनेक धर्मों का कल्पना की जाती है परमाणु आदि नाम से और परमाणु आदि में भी वो
मन नानात्व तो मानते हैं परमाणु में भी, एक परमाणु है निर्वय है वो, तो निर्वय में कैसे कल्पना करोगे वहाँ। कहते हैं नहीं, परमाणु का अवयव न होने पर अवयव को लेकर के भेद सिद्ध नहीं कर पाएंगे। जैसे आकाश है, परमाणु है, उसके अवयव नहीं है, अवयव को लेकर के भेद सिद्ध नहीं हो पाएगा। किंतु आकाश में सर्वगत तत्व धर्म है अनेक तत्व के लिए, और परमाणु में क्या है कि गंध रस आदि अनेक गुणवत्तम रूप रस गंध स्पर्श कई गुण है, वहाँ गुण को लेकर के अनेक हो जाएगा परमाणु में, और अपने रूप से एक और रूपों के गुणों को लेकर के अनेक, ऐसी कल्पना करते हैं। तदपि निरूप्यमाणम परोपकारी निमित्तम एव भवति, वो भी विचारीमाण जो होगा, जब विचार में आएंगे आकाश, आकाश में सर्वगतत्व कैसे क्यों भाषा उपाधि के कारण से, दूसरा कोई उपाधि बना हुआ है आकाश में, स्वतः स्वाभाविक धर्म सर्वगतत्व सिद्ध नहीं हो सकता, दूसरा उपाधि बना हुआ है, दूसरी कोई उपाधि है। परमाणु में भी जो नाना रूप की कल्पना करते, दूसरी उपाधि है, स्वाभाविक अनेकत्व धर्म नहीं है, ये सिद्धांत बोलते परोपाधि निमित्त में भगवत का जो नंबर टिप्पणी का निरूपमाण मैंने विचारी माणम, जब विचार करने पर दूसरी कोई उपाधि के कारण होगा, माने नानात्व जो निर्वय में भासता है वो औपाधिक है, मिथ्या है, और मिथ्या अनेकत्व हम स्वीकार करके बैठे, आत्मा में स्वाभाविक एक एक रूप है आत्मा, और मिथ्या औपाधिक रूप से अनेक है, वास्तविक अनेक नहीं आप, यह हमारा कहना है, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। आकाश से तावत सर्वगतत्व ब्रह्म, आकाश में जो सर्वगत कहा जाता है, क्या है सर्वगत, सर्वगतत्व न स्वतो धर्मो अस्ति, सर्वगतत्व अपना स्वाभाविक धर्म आत्मा का नहीं है, दूसरे उपाधि कोई वहां तत्त्व देश उपाधि बना हुआ है, तत्त्व देश के साथ संबंध होने से सर्वगत कहा जाता है, ये कहना चाहते हैं। स्वतो धर्मो नास्ति, सर्वगतत्व नाम का धर्म आकाश में स्वाभाविक रूप से नहीं है, कहा तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं स्वाभाविक, स्वाभाविक सर्वगतत्व धर्म आकाश में सिद्ध नहीं हो सकता, माने आत्मा में अनेकत्व सिद्धि के लिए दृष्टांत दे देते हैं भरत प्रबंध आकाश को, जैसे आकाश निर्वय है आत्मा भी निर्वय है, तो आकाश में जैसे सर्वगतत्व धर्म है अनेक अनेक हो जाता आकाश को लेकर के, ठीक इस प्रकार आत्मा भी नाना है, ये कहना चाहते हैं। किंतु सिद्धांत कहते हैं आकाश में सर्वगतत्व स्वाभाविक रूप से है नहीं, क्यों सर्वोपाधि संश्रयादि सर्वत्र स्वयं रूपेण सत्व अपेक्षा सर्वगतत्व व्यवहारो न तो आकाश क्वचित गतो वा आगतो वा स्वतः, यही कहते हैं। देखो सर्वोपाधि संश्रय, जितने संसार में वस्तु है सबके साथ संबंध है आकाश का, आकाश का अभाव कहीं भी नहीं, सर्वत्र है, जितने उपाधि है सबके साथ संबंध होने से आकाश का संबंध दिखाई पड़ता है, आकाश सर्वत्र है जितने उपाधि हैं, सर्वोपाधि संश्रयादि सबके सब जितने भी उपाधि हैं संसार में, जो आकाश के सर्वगतत्व बोलने के लिए उपाधि, सर्वत्र स्वेन रूपेण सत्वम अपेक्षा, सभी उपाधियों में अपने रूप से विद्यमान है आकाश, सर्वत्र है आकाश होने से, विद्यमान होने से सत्वम अपेक्षा, विद्यमान तो होने की अपेक्षा करके सर्वत्र दिखाई पड़ा, इसे सर्वगत बोलने लग गए, वास्तव में सर्वगत आकाश जाता नहीं, सर्वगतत्व व्यवहार इसलिए हो रहा है, सर्वत्र उसके अस्तित्व को लेकर के, सर्वत्र उसका अस्तित्व है आकाश के, इसको लेकर बोलने से सर्वगत व्यवहार हो रहा है। न तो आकाश क्वचित गतो, आकाश न कहीं गया न कहीं से आया, दोनों नहीं हो सकता, आकाश का आना जाना नहीं होता, परिच्छिन्न वस्तु का आना जाना होता है, इस देश में है उस देश में जो वस्तु नहीं है तो इस देश से उस देश में जाता है, उस देश से इस देश में आता है, परिच्छिन्न वस्तु में होता है, आकाश व्यापक है, वास्तव में वहाँ सर्वगत सर्वत्र जाना बनता नहीं आकाश का, वो तो जितने उपाधि संसार में विद्यमान है आकाश सर्वत्र है, सर्वत्र उसी सत्ता को लेकर के सर्वगत बोल दिया है, वास्तव में सर्वगत तो आकाश है, जाता नहीं आकाश, कहाँ जाएगा व्यापक वस्तु, कहाँ जाएगा, जहाँ न हो वहाँ जाना होता है, आकाश सर्वत्र है, जाना बनता नहीं है, सर्वगतत्व व्यवहार औपाधिक है, सभी देश के साथ संबंध होने से सर्वगत बोल दिया, वास्तव में सर्वगत नहीं आकाश, नहीं कहा स्वतः नहीं है कहा, चार पाँच छः की टिप्पणियाँ सात की भी है, चार में कहते हैं सर्वोपाधि अनुगतत्वात्, ये कहा सर्वोपाधि संश्रयात का अर्थ सभी उपाधि में अनुगत है आकाश,
जितने भी वस्तुओं में आकाश विद्यमान है, पहले से विद्यमान है, ये नहीं आकाश गया हुआ जाता नहीं, विद्यमान है। पांच में कहते हैं उपाधि शु कहा सर्वत्र में सारे उपाधि में स्वयं रूपेण सत्वम अपेक्षा, अपने रूप से अस्तित्व है उसका आकाश का, ठीक है, उसको लेकर के सर्वत्र कह दिया कहा आकाशत्व छह में कहा स्वयं रूपेण माने उसका स्वरूप आकाश है, आकाशत्व है उसके द्वारा सर्वगत सत्व की अपेक्षा करके सत्व माने विद्यमान तुम जितने उपाधियां हैं सब में विद्यमान पहले से आकाश, उसको लेकर के सर्वगत व्यवहार हो गया है। वास्तव में आकाश में सर्वगतत्व तो हो नहीं सकता, क्यों, आकाश ना कहीं जाता है न कहीं से आता है, आना जाना परिचन्न वस्तु में हुआ करता है, आकाश व्यापक है, व्यापक वस्तु को कहीं ले जाना संभव नहीं होता। आगे भाष्य में कहते हैं गमनम ही नाम, गमन क्या है, चलना जाना, गमनम ही नाम देशांतर स्तर से देशांतरण सम्यक कारण, गमन यही होता है एक देश में जो वस्तु हो अन्य देश के साथ सम्यक होना, यहाँ है अभी यहाँ से विवाह होकर के अन्य देश में संयोग होना उसका नाम गमन, गमन के कारण यहाँ से विभक्त होता है और वहाँ संयोग होता है, गमन इसी का नाम है गमन। गमन भी नाम जाना माने क्या है गमन, देशांतर तस्य जो वस्तु भिन्न देश में है भिन्न स्थान पर है उस वस्तु का देशांतर भिन्न देश के साथ संयोग का कारण संयोग होना, जहाँ है वहाँ विवाह होना और जहाँ पहुँचना वहाँ संयोग होना, गमन क्रिया के द्वारा संबंध होना इसका नाम है गमन, यही है एक गमन भी नाम है, गमन माने यही है देशांतर स्तर वस्त्र जो देशांतर में होगा वस्त्र भिन्न देश में होगा देशांतर या संयोग का कारण अन्य देश के साथ उस वस्तु का संबंध का संयोग का कारण जो होता हो उसको गमन किया जाता है, चल करके यहाँ से वहाँ संबंध करेगा ये गमन होता है। साच क्रिया नैव अविशेषे संभवती, वो जो क्रिया है गमन क्रिया है जो इस देश को विभक्त होकर के उस देश में संयोग होने लिए जो क्रिया हो गमन क्रिया वो साच क्रिया नैव अविशेष है संभव, निर्भय में क्रिया होना संभव नहीं है, जो निर्भय पदार्थ है उनमें वो क्रिया होने गमन क्रिया होने संभव नहीं है। आठ नंबर ने बताया निर्भय वेग निर्भय पदार्थों में गमन क्रिया होने संभव एवं धर्म धर्म वेदा नहीं बसंत आकाश, इसलिए ये सारे धर्म वेद जितने भी हैं सर्वगतत्व धर्म की कल्पना आकाश में नहीं है, ये तो उपाधि के कारण आसमान में सर्वगतत्व आदि व्यवहार होता है, वास्तव में आकाश में धर्म नहीं है, ठीक, जब आकाश में नहीं तो आत्मा में कैसे सिद्ध करोगे निर्वेद में अनेकत्व, ये सिद्धांत कहना चाह रहे हैं। एवं धर्म नौ नंबर गेट पर कहा उगते नहीं वह ज्यायन नहीं न्यायन इत्यर्थ, ये युक्ति जो बताई है निर्वय पदार्थों में ज्यायन है नहीं न्यायन है पाठ उगते नहीं वह न्यायन इत्यर्थ, ये पूर्वोक्त जो युक्ति है उसी के द्वारा सिद्ध हो गया ये धर्म कोई भी धर्म आकाश में नहीं है, अथवा सर्वम सर्वगतत्व धर्म जैसे सर्वगतत्व धर्म है उसी प्रकार नहीं है वहाँ उसी प्रकार अन्य धर्म भी आकाश में नहीं है। टीका से देखें आकाश आदि नाम दृष्टांतत्व आसक्त निराशक, आत्मा में अनेकत्व सिद्धि के लिए आकाश आदि दृष्टांत हो जाएगा, पूर्वादि की शंका आकाश एक है और अनेक भी है, सर्वगतत्व आदि धर्मों से अनेक भेद से अनेक है स्वरूप एक है, तो निर्भय वस्तु आत्मा जो है वो भी एक और अनेक दोनों होता है, पूर्वादि भक्ति प्रवृत्ति का कहना था। आकाश आदि नाम दृष्टांतत्व आसन आकाश आदि दृष्टांत हो जाएंगे एक वस्तु को अनेक होने में, जैसे आकाश एक है और सर्वतत्व धर्म से अनेक है, ठीक इस प्रकार आत्मा भी एक किंतु उस दृष्टि आदि धर्म से अनेक हो जाएगा, ये पूर्वादि की कहना भक्ति प्रपंच की शंका है उसका खंडन करते हैं सिद्धांत। यद्यपि कहा यद्यपि आकाश से सर्वगतत्व आदि धर्म परिकल्पते भक्ति प्रपंच के द्वारा ऐसी कल्पना की जाती है आकाश में सर्वगतत्व आदि धर्म है ऐसी कल्पना की जाती है भक्ति प्रपंच के वर्ष से, और परमाणुवादी नाम से और परमाणुवादी में भी अनेकत्व है ये भक्ति प्रपंच के अंदर, कैसे गंध रस आदि अनेक गुण उत्तम वहाँ गंध है रस है रूप है इत्यादि अनेक गुण है वहाँ, परमाणु भी अनेक है गुण गुणों से अनेक है और स्वरूपत एक है, तो आप भावी दृष्टि आदि से अनेक है और स्वरूपत एक है, प्रत्येक वस्तु एक और अनेक दो होता है उनका कहना ही थी। तदपि
निरुप्यमाणम जब विचार करते हैं उसका भी आकाश में भी विचार करते हैं सर्वगत तो वास्तविक है कि नहीं आकाश में सिद्ध नहीं हो सकेगा और परमाणु में भी जो गंधादि मानते हैं वास्तविक नहीं हो पाएगा ये कहना है। परोपाधि मित्र परोपाधि है वहां भी आकाश से तावत सर्वगतत्व काम आकाश में जो सर्वगतत्व जो कहा जाता है क्या है वो न स्वतो धर्म अस्थित स्वतः धर्म नहीं है भाष्यकार ये पूर्व स्वाभाविक धर्म नहीं आकाश है सर्वगतत्व वो तो तत्त देश में उसका संबंध दिखाई पड़ता है पहले से विद्यमान है वहाँ व्यापक है वो इस कारण से वहाँ भी गया करते जाता नहीं आकाश चलना फिरना होता नहीं व्यापक ठीक है कहते हैं कथम आकाश से अनेक धर्मवत्व उपाधिकम इतिहास भरत प्रबंध है आकाश में जो अनेक धर्मवत्व हम जो सिद्ध कर रहे हैं सर्वगत तत्वादि को लेकर वो कैसे उपाधि वास्तविक है सर्वगत है आकाश जाता है आकाश सर्वत्र ये शंका पूर्वादि की है उसका उत्तर देते हैं तस्य सर्वगतत्व तावत औपाधिकम इति साधयति सिद्धांत कहते हैं तो आकाश में जो सर्वगतत्व है औपाधिक है वास्तविक नहीं है वास्तविक आकाश में अनेक धर्म होना संभव नहीं है काल्पनिक है ये सिद्ध करते हैं आकाश से इत्यादि कहा आकाश से सर्वगतवादि धर्म भेद परिकल्पते परमाणुवादी नाम सब गंधरसादि अनेक गुणवत्व तद भी निरूपमाण परोपाधि होती है जो विचार करने पर वो भी दूसरे उपाधि के कारण सिद्ध होता है सर्वगतत्वादि वास्तव में नहीं है ठीक है हमने कहा कथम तरी तत्र सर्वगतत्व व्यवहार यदि सर्वगतत्व धर्म आकाश में नहीं है तत्व आकाश है आकाश में तो फिर वह सर्वगत व्यवहार कैसे होता है आकाश में आकाश सर्वगत है ऐसा कैसे बोला जाता ये संघा भक्ति प्रबंध की ओर से किया गया ग्यारह की टिप्पणी में कहा तरी सर्वगतत्व से स्वतो धर्मत्व अनुगम है सर्वगतत्व आकाश का स्वाभाविक धर्म न मानने पर फिर व्यवहार कैसे होता है आकाश सर्वगत है करके शंका आई तो उत्तर देते हैं सर्वोपाधि का देखो आकाश जो है सभी उपाधि के साथ संबंध उसका है जितने उपाधियां हैं आकाश में विद्यमान है आकाश के अभाव स्थान में कोई नहीं सर्वत्र जहां जहां वस्तु है वहां आकाश विद्यमान है इस संबंध होने के कारण ही अपने रूप स्वरूप सत्व है आकाश का सर्वोपाधि सबसे आदि जितने भी उपाधियां हैं संसार में सबके साथ संबंध होने से सर्वत्र सभी उपाधियों में स्वेन रूपेण सत्व में अपेक्षा प्रत्येक उपाधि में अपने रूप से वह सत्व है अस्तित्व है आकाश का होने से सर्वगत तो व्यवहार सर्वगत व्यवहार हुआ न तो आकाश है क्वचित गत होगा आगत होगा स्वतः आकाश वास्तविक कहीं गया भी नहीं कहीं से आया भी नहीं ठीक है हम कहते हैं ननु आकाश से सर्वत्र गमनम अपेक्षा सर्वगतत्व किम न व्यवहारित आकाश सर्वत्र जागवा है उसको लेकर के इस अपेक्षा करके सर्वगत व्यवहार क्यों नहीं उपाधि के कारण सर्वगत क्यों माना स्वाभाविक माने आकाश सर्वत्र जाता है गमन करता है आकाश इसलिए सर्वगत का है क्यों उपाधि को लेना ये पूर्वादि की शंका है मानो आकाश से सर्वत्र गमनम अपेक्षा आकाश सर्वत्र जाता है गमन क्रिया को लेकर अपेक्षा करके सर्वगतत्व किम न व्यवहारित सर्वगतत्व व्यवहार क्यों नहीं होता तत्र न तो कहा न तो आकाश क्वचित गत होगा आगत होगा स्वतः आकाश स्वाभाविक रूप से न कहीं गया न कहीं से आया आना जाना नहीं होता व्यापक निर्भय पदार्थ ठीक है कहते हैं आकाश है गमन अयोगम भक्तुम तब स्वरूप आकाश में गमन क्रिया होना संभव नहीं है ये कहने के लिए पहले आकाश का स्वरूप बताते हैं सिद्धांत बोलते हैं आकाश का स्वरूप समझो वहाँ गमन क्रिया होनी संभव नहीं है सर्वगत होना संभव नहीं बात में तत्स्वरूपम बार के टूट का गमन स्वरूपम गमन का जो स्वरूप है उसको बता दें गमन माने क्या है कहा गमन भी नाम जो गमन कहते हैं चलना बोलते हैं गमन नाम देशांतर स्तर से देशांतर है ना सभ्य कारण अन्य देश के व्यक्ति को अन्य देश के साथ संबंध का जो कारण होगा इस देश में व्यक्ति था वो देश में पहुँचने का जो कारण हो गया क्या कौन कारण गमन क्रिया उसका नाम गमन है यही गमन कहा ठीक है ननु कुतश्चित विभागे संयोगे च केनचित देशेन तत्कारणीभूता क्रिया भी स्वेनादो विभाग आकाशे भविष्यति भारतीय प्रबंध कहते हैं देखो ननु संकुचित कुतश्चित विभागे कैसे विभाग होने पर जैसे पक्षी है इस देश में था यहाँ से विभक्त होगा
और उस देश के साथ संयोग करता है तो पक्ष में क्रिया होती है, संयोग और विभाग होने क्रिया होती है, पक्ष में क्रिया होती है, उड़ती है, गमन रूप क्रिया है। तो इस देश से जहाँ थे पक्ष पहले बैठा था जहाँ, वहाँ से विभाग होगा, अन्य देश में जाकर संयोग होगा। इसी प्रकार आकाश में क्यों नहीं, ये पूर्वादि का कहना है। ननो कुतश्चित विभाग है, किसी देश से विभक्त होने पर, पहले जहाँ था वहाँ से विभक्त होना है, जाने के लिए वहाँ जगह छोड़ना पड़ेगा, विभक्त होगा, विभक्त विभाग है। संयोग केंद्रीय देश है, किसी देश के साथ में संयोग होना है, आगे यहाँ से विभाग है वहाँ संयोग होना है, उस काल में संयोग केंद्रीय देश ने संयोग किसी देश के साथ संयोग होने में तत्कारण होता है, जो विभाग होना और वहाँ संयोग होना, संयोग के जो कारण भूत क्रिया क्रिया भी सेनादो, जैसे सेनादि होती है, सेना सेन पक्ष यहाँ है, यहाँ से वहाँ जाने के लिए यहाँ से विभक्त होगा, वहाँ संयोग होने के लिए उड़ना पड़ता है, उसकी क्रिया होती है। इसी प्रकार आकाश को भी क्रिया, आकाश में भी क्रिया होगी, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाना सर्वत्र जाना तो क्रिया होगी, ये पूर्वादि की शंका है। आकाश भविष्य आकाश में क्रिया होगी, गमन आगमन क्रिया सिद्धांत का ना इत्या नहीं कहते हैं टिप्पणियाँ, 13, 14, 15 भी टिप्पणियाँ हैं। 13वें कहा देशात उतस्थित देशात, किसी देश से विभाग होने पर, और 14वें कहा आकाश से, आकाश का विभाग होने पर नहीं है, और किसी देश के साथ समय होने पर वह क्रिया होगी, ये पूर्वादि कहना चाहता है। जैसे पक्षी आदि में देखा है क्रिया देखा है, पूर्व देश को छोड़ती है उत्तर देश को पहुँचती है तो वहाँ क्रिया होती है, गमन क्रिया होती है। इसी प्रकार तत्कारण भूता क्रिया, यही 15वीं टिप्पणी में बताया, संयोग विभाग कारण भूता, जहाँ पहले संयोग था वहाँ से विभाग होना, यहाँ संयोग था यहाँ से विभाग, उस देश में अब संयोग होना, इस क्रिया के कारण, इस क्रिया के कारण क्या गमन ही क्रिया है, गमन के बिना हो नहीं सकता, इसको छोड़ना और उस देश में जाना, वो आकाश में है सेनादि में जैसे होता है। शंकर कर कहा साच होगा, साच क्रिया नहीं वह अविशेष से संभव होगी, जो निर्भय पदार्थ होगा अविशेष होगा, विशेष नहीं है, जहाँ पक्षी आदि विशेष पदार्थ है सावयव है, वहाँ क्रिया होती है इस देश से उस देश में जाने के लिए सावयव, किंतु आकाश निर्वयव है। साच क्रिया जो गमन क्रिया है वो नैव अविशेष से संभव नहीं, जो अविशेष है निर्विशेष है निर्वयव है उनमें संभव नहीं है वो क्रिया। ठीक है, ठीक है, सावयव ही सेनादो क्रिया दृश्यते है, विभाग और संयोग के लिए जो क्रिया होती है गमन क्रिया, इस देश में था यहाँ से उस देश में जाने के लिए क्रिया सब गमन क्रिया है। सावयव जो पक्षी आदि है ना, सेनादि जो पक्षी है उनमें क्रिया दृश्य में गमन क्रिया दिखाई पड़ती है पक्षी आदि में। आकाश हेतु जो आकाश है उसमें तो आकाश हेतु अविशेष निर्वय, आकाश कैसा है अविशेष है निर्विश है, वहाँ कुतः तत्र क्रिया, उस आकाश में जो निर्वय है और अविशेष है निर्वय है विशेष नहीं है, उसमें कैसे क्रिया होगी गमन क्रिया नहीं हो सकती, ये सिद्धांत कहा। पूर्वादि कहे तथापि धर्मांतराणि आकाशे भविष्यति, चलो सर्वगतत्व तो धर्म न होने पर भी अन्य धर्म होगा आकाश में, उसके द्वारा नाना हो जाएगा आकाश, क्योंकि आत्मा को अनेक धर्मवान सिद्ध करने के लिए आत्मा एक भी है अनेक भी है, नाना रूपवान आत्मा, नाना रूपवान आत्मा, नाना रूप वाला है, क्यों वस्तुत्व आकाशवत, जैसे आकाश है नाना रूप वस्तु है, ये पूर्वादि का अनुमान है। तो तथापि धर्मांतराणि आकाशे भविष्यति, भविष्यति अन्य धर्म हो सकते हैं, सर्वगतत्व तो न होने पर भी अन्य धर्म हो सकते हैं, उसको लेकर के नाना हो जाएगा आकाश, ये शंका पूर्वादि की है। भक्ति प्रवृत्ति के 16 की टिप्पणी में कहा सर्वगतत्व से स्वतो अभावे भी, सर्वगतत्व धर्म आकाश में स्वाभाविक रूप से न होने पर भी अन्य धर्म से हो जाएगा अनेकत्व, इस शंका उठाई तो कहा उत्तर देते हैं सिद्धांत तेषाम भी, जो अन्य धर्म तुम मानते हो ना आकाश में सर्वगतत्व से अतिरिक्त जो धर्म होता भी क्रियापूर्वक उक्त न्याय कबलीकृतत्वांतर है, क्रियापूर्वक भी तो होना होगा ना, आकाश में क्रिया हो तब संबंध होना होगा क्रियापूर्वक नाम, ये जो क्रियापूर्वक जो संबंध धर्म है उनका उक्त न्याय ना कबलीकृतत्व, जितने भी क्रिया वाले होते हैं ना सावय में होता है निर्वय में नहीं हो सकता, इसी युक्ति के द्वारा कबल बना दिया ग्रास बना दिया कोई धर्म नहीं हो सकता, सिद्ध कर दिया था। एवं कहा
एवं धर्म भेदादेव सन्ति आकाश है, इस प्रकार धर्म विशेष आकाश में नहीं है। तो आत्मा में अनेकत्व सिद्धि के लिए आकाश आदि को दृष्टांत देना चाहते हो तो दृष्टांत ही गलत हो गया, आत्मा में अनेकत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। कहा ठीक है, भेदा भेदाभ्याम दुर्वचत्वात् तत्र धर्म धर्म भावो न संभवती। आत्मा में ना धर्म भेद और अभेद दो कहना बनता ही नहीं, भिन्न भी है अभिन्न भी है कहना बनता नहीं है। सारे पदार्थों को भेदाभेद मानते हैं, भक्ति प्रबंध मानते हैं, वो संभव नहीं है, उसको सिद्ध नहीं कर सकते। कहते हैं भेदाभेदाभ्याम दुर्वचत्वात्, भेद और अभेद दोनों रूप मानना दुर्वचन है, संभव नहीं है। तत्र धर्म धर्म भाव होना संभव थी, उस आत्मा में धर्म धर्म भाव होना संभव नहीं। आत्मा धर्मी है और दृष्टि आदि धर्म है, ऐसी कल्पना करना संभव नहीं है। इस सिद्धांत ने कहा दुर्वचत्वात् सत्य टिप्पणी कहते हैं आकाश से धर्मत्वेन अभिमत अभिमत अभिमतम आकाश भिन्न आकाश भिन्नत्व आकाश को आकाश के धर्म करके जो मानते हो सर्वतत्व आदि को धर्म मानते हो, आकाश धर्मत्व अभिमता नाम जो अभिमत पदार्थ है तुम्हारे यहाँ भक्ति प्रबंध के, हाँ आकाश भिन्नते आकाश यदि भिन्न हो पदार्थ मान जिसको धर्म आकाश के धर्म मानते हो सर्वतत्व आदि को, वो आकाश से भिन्न है कि अभिन्न है, यदि भिन्न मानते हो तो धर्म भिन्न है आकाश से सर्वगत मानने पर हेम बिंदे और अभी धर्म धर्म भाव बनते, यदि अत्यंत भिन्न पदार्थों में धर्म धर्म भाव होता हो तो हिमालय और विंध्याचल का भी धर्म धर्म भाव होना चाहिए। हिमालय पर्वत यहाँ विंध्याचल वहाँ प्रयाग के पास दोनों का धर्म धर्म भाव हो नहीं सकता, भिन्न में धर्माधर्म भाव नहीं हो सकता। यदि आकाश में जो आकाश को धर्मी मान करके जो धर्म की कल्पना करते हो तुम सर्व तत्वादि, यदि भिन्न है वो धर्म आकाश से भिन्न है तो फिर ऐसे में भी धर्माधर्म धर्म धर्म भाव की कल्पना होती है तो विंध्या और हिमालय में भी धर्म धर्म भाव की कल्पना होनी चाहिए, नहीं हो सकता। ये कहा अभिन्नत्व और अभिन्न मानेंगे, धर्म और धर्म अभिन्न है, आकाश धर्मी है और सर्वतत्व अभिन्न मानने पर स्वयं स्वम अपनी स्वस्य धर्म से स्वयं भी स्वयं का धर्म होने लग जाएगा, क्यों धर्म धर्म को अभिन्न मानने पर धर्म और धर्म एक मानने पर स्वयं भी स्वयं का धर्मी हो जाएगा, इस आपत्ति आएगी। इसलिए भिन्न भिन्न मान सकते अभिन्न मान सकते जो भी है ये सब अनिर्वचनीय है, ये सिद्धांत क्या है। भारती के थोड़ी सी इसमें न च इत्यादि न च निर्भयेषु अनेकात्मकता शक्ति दे कल्पित होना, निर्भय पदार्थ जो होगा उसमें अनेक रूप सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर भारती है न तो निर्भयेषु अनेकात्मकता शक्ति दे कल्पित होना। अत्र वार्तिकाचार्य बताई वार्तिकाचार्य सुरेश्वराचार्य कहते हैं उसी प्रकार निरंशेषु न चाप्येवं सभागेषु वस्तुषु भिन्ना भिन्नात्मता शक्य कर्तुम साक्षात् अपिश्वर ही न चापीय निरंशेषु भिन्ना भिन्नुत कल्पते दृष्टान्त कचित कश्चिदप्यस्ति जगत स्मृत चराचरे। वार्तिकार कहते निरंशेषु जिसमें अंश नहीं है निर्वय है जो बना आत्मा आदि निरंशेषु च अपि एवं सभागेषु वस्तुषु जैसे सभाग सावय पदार्थ में जैसे धर्म धर्मभाग की कल्पना होती है उस प्रकार निरंशों में नहीं हो सकती। कहा भिन्ना भिन्नात्मता अशक्य जो भिन्न और अभिन्न सावय में जैसे मानते हैं वो आदि को माना इस प्रकार निरंश पदार्थ में कल्पना नहीं की जा सकती। आत्मा निरंश है निर्वय है उसमें आत्मा भिन्ना भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते जैसे सावय में कह किया आपने तो भिन्ना भिन्नात्मा का शक्य कर तुम साक्षात ईश्वरीय कर तुम न सक्य थे कहा न सक्य साक्षात ईश्वरीय आ जाए निरंशों में भिन्ना भिन्न सिद्ध करेंगे तब भी सिद्ध नहीं कर सकते। तुम्हारे जैसे जीवन सिद्ध क्या सिद्ध होगा निरंग मान निर्वय पदार्थ में भिन्ना भिन्न भेद भेद और अभेद दोनों सिद्ध करना क्या सिद्ध होगा ईश्वर भी नहीं कर सकते। एक आभार विकार न चापी है निरंशेषु भिन्ना भिन्नुत कल्पने दृष्टान्त कचित अभ्यस्त जगत इसमें चले चलेगा यह जगत ही इस जगत में अश्विन जगत ही इस जगत में निरंशेषु भिन्ना भिन्नुत कल्पने निरंक्ष पदार्थ है निर्वय पदार्थ
पदार्थ है, आत्मा आदि पदार्थ है, उसमें भिन्ना भिन्न की कल्पना में कोई दृष्टांत नहीं है। दृष्टांत कहते थे नास्ती, कोई भी दृष्टांत नहीं है, कश्य भी दृष्टांत नास्ती कहा। या अस्मिन चराचर जगत, सारे चराचर जगत में जो दो प्रकार के जगत, चर जगत अचर जगत, दोनों में ढूंढने पर भी दृष्टांत नहीं मिलेगा। जो निर्भय पदार्थ है उसमें भिन्ना भिन्न दो होता है, भेद भी होता है, अभेद भी होता है, इसी इसी तरीके से कहा। दृष्टियादीना दृष्टु भिन्ना भिन्नम तुम मितस्य भिन्ना इति एतत् निरस्तम् कहते हैं। भारतीय प्रबंधन कहा था जैसे गाय, एक गाय में भिन्नता भी है अभिन्नता भी है, एक गाय है सामने अपने रूप से वो अभिन्न है और श्रृंगादि रूप से भिन्न भिन्न हो जाती है। श्रृंग विशिष्ट जो गाय है, कारण विशिष्ट नहीं, कारण विशिष्ट गाय अलग मानी जाती, वही गाय तत्त्व विशेषण लगने से भिन्न माना जाता है, चक्षु विशिष्ट गाय अलग मानी जाती है, तो भिन्न भी है और विशेषण परस्पर भेद है, चक्षु श्रृंग नहीं हो सकता, श्रृंग चक्षु नहीं हो सकती इत्यादि, ये कहा था। तो इसी प्रकार आत्मा में जो दृष्टि आदि कहा, या दृष्टु दृष्टि नहीं दृष्टु दृष्टि विपरीत दृष्टा की दृष्टि इत्यादि कहा हुआ है मंत्र में, दृष्टा की दृष्टि, ग्राता की ग्राति इत्यादि कहा, वक्ता की भक्ति, श्रोता की स्मृति, मंता की मति, विज्ञाता की विज्ञात्री इत्यादि जो कहा था। तो ये माने दृष्टु दृष्टा एक है किंतु दृष्टि आदि से भिन्न भिन्न हो जाता है। दृष्टि विशिष्ट दृष्टा अलग, श्रुति विशिष्ट दृष्टा अलग, भक्ति विशिष्ट दृष्टा अलग, ऐसा उन्होंने कहा था, भिन्ना भेद कहा था। दृष्टियादि नाम दृष्टु भिन्ना भिन्नत्वम, दृष्टियादि जो पदार्थ गिने गए या आठ पदार्थ गिने गए वो दृष्टा से भिन्न भी है अभिन्न भी है। और मिथस्य भिन्ना परस्पर दृष्टि आदि परस्पर भेद है, दृष्टि श्रुति नहीं है, श्रुति दृष्टि में परस्पर भेद है, ये तो निरस्त भी है, खंडित हो गया अब तक। अधुना अब थूलेशु यद्वत इत्यादि ना उत्तम निरस्यति, 1136 पृष्ठ में, 1136 पृष्ठ में पूर्वाधिकार जैसे थूल पदार्थों में भिन्ना भिन्न सिद्ध हो गया, ये गाय का दृष्टांत देकर, उस प्रकार निर्भय पदार्थ अमूर्त पदार्थों में ऐसे करना चाहिए, अनुमान से सिद्ध करना चाहिए, कहा था पूर्वादि ने। ये थूलेशु यद्वत, थूलेशु यद्वत इत्यादि 1136 नंबर के में कहा था पूर्वादि ने, भाष्य में कहा था इत्यादि ना उत्तम निरस्यति, जो कहा था उसका खंडन करते हैं। निरंशेषु कहा, जो निर्भय पदार्थ है ना उसमें भिन्ना भिन्न कल्पना ईश्वर के द्वारा भी सिद्ध नहीं हो सकता कहते हैं। निरंशेषु चाप एवं जो निरक्षम इस प्रकार की कल्पना, सवागेशु का गाय का जो दृष्टांत दिया वो सावय पदार्थ था, उसके समान हो नहीं सकता, सवागेशु इत्यादि भिन्ना भिन्ना पदार्थ क्या कर तुम साक्षात ईश्वर ही कहा, भिन्ना भिन्नत्व की सिद्धि नहीं की जा सकती चाहे ईश्वर के द्वारा भी हो, ये कहा था। ठीक है, तत्र दृष्टांता भाव जो देते निरंक्ष में भिन्ना भिन्नत्व में दृष्टांत का भाव है, इसमें हेतु बताते हैं, हेतु महा न च कहा, न चापि निरंक्षेषु भिन्ना भिन्नत्व कल्पने दृष्टांत कश्चित अप्यस्ति जगत इसमें चला चलेगा। निरंक्ष पदार्थ निर्वय पदार्थ में भिन्ना भिन्नत्व की जो कल्पना अनुमान से सिद्ध करना है उसमें कोई दृष्टांत इस जगत में चराचर जगत में दृष्टांत नहीं है, इसलिए आत्मा में भिन्ना भिन्न तो सिद्ध नहीं कर सकते, आत्मा एक ही है अनेक नहीं है, ये सिद्ध होता है। इसका समय हो गया है, यही रखते हैं आज। ओम पूर्ण